क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि उठते समय और बैठते समय आपका घुटना ठीक से नहीं मुड़ पाता है और आपके घुटने में इतनी ताकत भी नहीं है कि आप आसानी से उठ सको और आसानी से बैठ सको। दर्द महसूस तो नहीं होता है लेकिन लगता है कि घुटना जाम हो चुका है या जाम हो रहा है। जी नमस्कारम, मैं योगी ललित बिष्ट स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे आप स्वस्थ होंगे, आप अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं घुटने की समस्या के बारे में। कभी कभी होता क्या है कि हमें घुटने का दर्द तो नहीं रहता है लेकिन उठते समय बैठते समय हमें तकलीफ होती है। दो चार कदम चलने पर या आधा किलोमीटर चलने पर लगता है कि अब घुटनों में बिल्कुल भी जान नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे घुटनों की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं और मांसपेशियां कमजोर होने का मुख्य कारण है कि हमारा खान पान सही नहीं है, हम सही योगाभ्यास नहीं कर रहे हैं, प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, हमारी दिनचर्या सही नहीं है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घुटने हमेशा स्वस्थ रहें, आपके घुटने हमेशा मजबूत रहें और जब तक आप जिए तब तक आपको किसी भी प्रकार की घुटने में समस्या न रहे, तो आज ही हमारे चैनल पे आए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे साथ साथ आप भी योगाभ्यास करते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। सबसे पहले आप सीधे जमीन पर बैठ जाएगा, अपने पैरों को सीधा रखेगा और पैर के पंजे अपनी तरफ रखेगा, दोनों पैरों में हल्का सा गैप रखेगा। फिर दोनों हाथ आपके थाइस के बराबर में फिंगर मैट के ऊपर और दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ दीजिएगा। अब आपको एक एक घुटना करके सीधा कर लेंगे। एक को मोड़ना है, एक को सीधा करना है, एक को मोड़ दिया, दूसरे को सीधा कर दिया। ऐसा आपको 1 मिनट लगातार करना है। इससे आपकी काफ मसल्स में, हैमस्ट्रिंग मसल्स में और घुटने के नीचे वाली और साइड वाली मसल्स में खिंचाव महसूस होगा आपको। ठीक है, अगला अभ्यास आपको या तो ऐसी योगा बेल्ट ले लेनी है या फिर रस्सी ले लेनी है या कोई लंबा कपड़ा हो 2-2.5 मीटर का और उसको आपने अपने पैर पे लपेट लेना है, यानी पैर को टाइट करके लपेट लेना। ध्यान से देखिएगा, थाइट से लेकर आपको इसको घुटने के नीचे यानी अपने पिंडलियों तक लपेट लेना है अच्छे से। फिर यहाँ पे कर देना है, इसको अच्छे से लपेट के लॉक कर दिया। फिर पैर को सीधा करना है, फिर दूसरे पैर पे भी आपको ऐसा ही करना है। थाइट से लेकर और काफ मसल तक आपको पैर को बिल्कुल टाइट से बांध देना है अपने। ये ऐसे आप देख सकते हैं मैंने अपने दोनों पैरों को अच्छे से बांध दिया। अब इसके बाद आपको पीठ के बल लेट जाना है, दोनों घुटनों को हल्का सा मोड़ दीजिएगा, पीठ के बल लेट जाएगा, दोनों हाथ शरीर के बगल में हथेली मैट के ऊपर, पैरों को ऐसे ऊपर उठा दीजिएगा। अब आप जैसे चलते हैं ना वैसे आपने अभ्यास करना है। ऐसे एक पैर ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे ऐसे आपने करना है। ऐसे करने से क्या होगा कि आपके घुटने की मसल्स में खिंचाव बढ़ेगा, जो ग्रीस सूख रही है वो ग्रीस धीरे धीरे वापस आनी शुरू हो जाएगी। ये ऐसे, इससे ना तो आपके घुटने में कभी दर्द आएगा, ना आपके घुटने में कभी थकान होगी, ना आपके घुटने में अकड़ाहट होगी। ठीक है, फिर दोनों पैर नीचे। अब आपको धीरे धीरे साइकिलिंग का अभ्यास करना है, ऐसे धीरे धीरे, ये 10 से 15 बार क्लॉकवाइज, 10 से 15 बार एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, लेकिन बहुत आराम से करना है। यदि आपको कमर दर्द की शिकायत रहती है
तो दोनों हाथ कमर के नीचे ऐसे रख लें और कमर को सहारा दे दें। यदि आपके पास कोई तकिया है मोटा सा, तो आप तकिया भी रख सकते हैं अपनी कमर के नीचे। फिर अभ्यास को जारी रखें, फिर आपको उल्टा भी करना है ऐसे ही। ये आपको लगातार करना है, ठीक है। फिर दोनों पैर नीचे और पैर सीधे करके पैर को आपस में हिला देंगे। ये अब इसके बाद करना क्या आपने, इसके बाद करना क्या आपने, दोनों पैर ऐसे मोड़ देने हैं। एक टावल ले लें या कोई पिल्लो ले लें मोटा सा, और घुटने के नीचे ऐसे रखना है ये। फिर घुटने को ऐसे, पैर को ऐसे पकड़ के घुटना नीचे दबाना है। 1, फिर हल्का सा ऊपर, फिर 2, 3, 4, 5। अब यहां पे रोक के रखना आपने कम से कम 10 गिनने तक। फिर ऐसे ही आपको दूसरे पैर से भी करना है। याद रखिए, आपने सांस को किसी भी अवस्था में रोकना नहीं है, सांस आपका लगातार चलता रहेगा। घुटने के नीचे तौलिया रख दिया या फिर आपने कोई गोल वाला पिल्लो रख दिया, फिर घुटने को धीरे धीरे मोड़ने का प्रयास करना है। पैर सीधा, फिर मोड़ दिया, सीधा, फिर मोड़ दिया, पैर सीधा, फिर मोड़ दिया, पैर सीधा, फिर मोड़ दिया, पैर सीधा, फिर मोड़ दिया पैर को। अब पैर सीधा, दोनों पैर सीधे और पैरों को आपस में फिर हिला देंगे। फिर दोनों पैर मोड़ दिया आपने। अब करना क्या है आपने, एक एक पैर करके बिल्कुल सीधा ऊपर खड़ा कर देना है। और उसके लिए आपको तौलिया की या रस्सी की जरूरत पड़ेगी। पैर के तलवे के साथ सटा दिया, फिर पैर को ऐसे सीधा कर दिया, ठीक है। फिर हल्का सा मोड़ दिया, ऐसे देखिएगा ध्यान से, हल्का सा मोड़ दीजिएगा, फिर सीधा, हल्का सा मोड़ा, फिर सीधा पैर, हल्का सा घुटना मोड़ दीजिएगा, फिर घुटने को पूरा सीधा कर दीजिएगा। और यहाँ पे कम से कम 10 गिनने तक रुकिएगा। खिंचाव को महसूस करना आपने काफ मसल्स में, यानी पिंडलियों में, घुटने के पीछे जहां पे हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स खत्म होती है वहां पे, और हिप ज्वाइंट से लेकर हैमस्ट्रिंग मसल तक पूरा खिंचाव महसूस करना है। किसी भी प्रकार का आपको घुटने का दर्द हो, कोशिश करें अपनी टांगों को ज्यादा से ज्यादा खींचने का। फिर धीरे से वापस, अब ऐसा ही आपको दूसरे पैर से भी करना है। सांस लिया, पैर बिल्कुल सीधा कर दिया ऊपर, फिर सांस छोड़ा, घुटना हल्का सा मोड़ दिया ऐसे, सांस लिया, घुटना सीधा, सांस छोड़ा, घुटना मोड़ दिया, सांस लिया, घुटना बिल्कुल सीधा, सांस छोड़ा, घुटना मोड़ दिया, सांस लिया और पैर बिल्कुल सीधा रखना है। अब सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है, लेते रहना है, छोड़ते रहना है। फिर धीरे से वापस, और पैर बिल्कुल सीधा और दोनों पैरों को हिला देंगे। धीरे से करवट लेके बैठ जाएंगे।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी आपकी तरह इस वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा आप अपना और अपनी सेहत का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।